नगर निगम को लेकर गांव वासियों ने सैकड़ों की संख्या में मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। उसके बाद सोलन शहर में आक्रोश रैली भी निकाली। कोविड संकट में जहां नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग रखी जानी थी, उस नियम की दजियां उड़ती भी माल रोड पर दिखाई दी, जिसको लेकर जिला प्रशासन सख्त कार्यवाही करने का मन बना चुका है। उनके द्वारा जाँच की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर यह प्रदर्शन किया गया। उपायुक्त सोलन ने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया जो बेहद गलत है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि जो प्रदर्शन मिनी सचिवालय में किया गया, उसकी अनुमति किसी ने भी नहीं ली थी। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उन्हें तीतर बीतर करवा दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन किसके कहने और किसके उकसावे में हुआ, उसकी जांच की जा रही है। जो भी इस घटना का जिम्मेवार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात कहने का हक है, जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात जिला प्रशासन के समक्ष रख सकता है, लेकिन नियमों को तोड़ना ठीक नहीं है। ये एकदम आए बिना किसी आदेश के, आज ये आए थे लोगों का जो एक रिप्रेजेंटेशन धरा था। इसमें हम देख रहे हैं कि इतने लोग, भारी लोग क्यों आए हैं। इसमें हम तहकीकात करेंगे किसके आह्वान पे आए। वी विल टेक नेसेसरी एक्शंस, क्योंकि बिल्कुल वर्जित है किसी भी प्रकार का। हमारे पास 8-10 लोग ही आए जो रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन एकदम बाहर पे आए, जिनको हमने विसर्जन एकदम तो उनको भगा दिया। किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और ना इन्होंने ली थी, ना ये था, लेकिन ये हुआ है। ऐसा ना हो, हमने लोगों से आग्रह किया है कि कोई भी आदमी मत आए। तो जब कोई आपका कोई किसी प्रकार का कोई आपका कोई ग्रीवांसेज है, व्यक्तिगत तौर पे आए, ना कि लोगों को संग्रह करके इस प्रकार के बहुत ही लोगों के जोखिम में जान को ना डालें, और संक्रमण से लोगों को, और इससे संक्रमण बढ़ने का बहुत खतरा रहता है। इसका हम तहकीकात करेंगे, ये व्हाई हैपेंड, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड।